भगवत गीता का एक श्लोक बोलने जा रही हूँ। देखिए, आज दुनिया में बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो गया है। बोलते हैं ना, दीवार से दीवार जुड़ता गया और दिल से दिल टूटता गया। आगे का जमाना में, पहले का जमाना में एक गली बीच में छोड़ा जाता था घर बनाने से, लेकिन आज का जमाना ऐसा आया है कि दोनों आदमी मिलकर एक दीवार बना देते हैं, गली नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी घर में ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि चार भाई है, चारों का अलग अलग कमरा होता है। अब पहले का जमाना में एक चौकी पर चार भाई सोया करते थे। इसमें यही कमी लग रहा है मुझे कि हम लोग को अंदर एक ज्ञान का कमी आया है, कोई संस्कार का कमी आया है, कोई संस्कृति हम लोग पीछे छोड़कर जा रहे हैं। बहुत पढ़ाई लिखाई हो रहा है, बहुत लोग साइंस में आगे बढ़ गया, इंजीनियरिंग बन गया, लेकिन घर का जो है माहौल बदल नहीं पाया और अपना टेंशन नहीं बदल पाया। रामदेव बाबा भी बोलते हैं कि उच्च रक्तचाप जितना है, थायराइड, शुगर, ये सब प्रेशर, हार्ट का बीमारी बहुत बढ़ रहा है। कारण क्या है? कारण है हम लोग का टेंशन। और वो टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग लगता है कुछ चीज़ छोड़कर आगे बढ़े। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे एक घर बनाया जाता है ना, तो घर का पिलर उसका मजबूत किया जाता है, उसका भीम मजबूत किया जाता है, क्योंकि वो आदमी जानता है कि कभी आंधी पानी आएगा तो इस बिल्डिंग को गिरा देगा। तो इस तरह से हम घर एक परिवेश बनाते हैं, एक बच्चा को जन्म देते हैं, पर हम उसे धर्म का विचार नहीं देते हैं। हम कहते हैं धर्म का क्या जरूरत है, सब कुछ तो हम लोग गाड़ी बंगला घर कर ही लिया है, अब क्या दरकार है हम लोग का। लेकिन उस बच्चा ने बड़ा होकर उस मम्मी पापा को उस धार्मिक विचार को नहीं अपनाने का कारण वो उससे दूर चला जाता है। तो इस तरह से आज हमारा समय का यही मांग है कि हम लोग जो भी बन रहे हैं, पर कुछ ना कुछ हम लोग पीछे छोड़कर जा रहे हैं, वो है एक संस्कार, एक संस्कृति, एक धरोहर। जो आज भगवान भगवत गीता में बोले हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तव मा सर्व पापे भयो मोक्षामि मा शुचो। बोले हैं, हे अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग कर कर केवल मेरे शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारा सारे पापों को खंडन कर दूंगा, तुम्हें उद्धार कर दूंगा। पर आज हमारा जीवन में ही कंफ्यूजन है कि हम सब देवी देवता का जानते हैं पर भगवान को नहीं जानते हैं। कारण क्या है? हम लोग अपने धर्म को, पुस्तक को नहीं पढ़े हैं, जिसका कारण है कि हम लोग धर्म को नहीं पढ़े और इससे हम अनजान रहे। तो इस तरह से भगवान, देखिए, एक कंपनी अगर एक दवाई बनाता है, एक टीवी बनाता है और एक मोबाइल बनाता है, तो उसको एक मेनू बनाता है कि इसको किस तरह से, किस ढंग से चलाया जाए, जिस तरह से खराब ना हो, सही से चले, यूज कर सके। लेकिन भगवान इतना सुंदर पृथ्वी बनाए, हवा बनाए, गाछ बनाए, फल बनाए, मनुष्य बनाए, गाय गोरु बनाए, तो क्या इसको चलाने का भगवान तरीका नहीं बनाया होगा? तो ये हमारा छूट गया, किसी कारण, काल कर्म का कारण छूट गया हो, या फिर इस संस्कार को हमारा मम्मी पापा हमको नहीं दिए, हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। तो इस तरह से आज का समय का मांग यही है। मैं यही चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ, ये समय चाहता है, ये युग चाहता है, 2022 चाहता है, ये कलि युग चाहता है कि इस समय में इस भगवत गीता को घर घर में होना चाहिए और हर बच्चा बच्चा को पढ़ना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। और मेरा जीवन में अगर प्रश्न नहीं उठता है तो प्रभुपाद बोले हैं कि वो मनुष्य मनुष्य अभी तक नहीं हुआ है, उसे प्रश्न होना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग एक कुत्ता बिल्ली का जैसा है। जैसे सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था, सभी कोई जानता है, उन्होंने अपना राज्य में जब घूमा था, उनके पिताजी बोले थे, प्रधानमंत्री थे, बोले जे आप बड़ा है मेरा जीवन का धरोहर, आप जानो कि मेरा संपत्ति कहाँ से कहाँ है। और इस तरह से उन्होंने जब पता लगाया तो वहाँ एक मुर्दा जा रहा था, तो पूछा ये कौन है, तो उनका मंत्री बोला, सर ये मुर्दा हुआ है, राम नाम सत्य है। तो बोला मुझे भी मरना पड़ेगा? बोला हाँ सत्य है ये तो सबको। एक बूढ़ा आया तो बोला ये कौन है? तो बूढ़ा है तो मुझे भी होना पड़ेगा? जी सर आपको भी। और एक बीमारी आया तो उसको भी बोला ये कौन है? तो बीमारी, तो बोला मुझे भी। हाँ, तो रात भर उस सिद्धार्थ ने सोया नहीं, बोला यदि तीन प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिला तो इस जीवन का क्या लाभ? आज मैं पूरा प्रधानमंत्री हूँ, कल मेरा कोई वैल्यू नहीं रहे तो मेरा जीवन का क्या लाभ है, इस क्षणिक आनंद का क्या लाभ? इस तरह से रात भर उन्होंने नहीं सोया और गाया में जाकर उन्होंने अपना प्रश्न का उत्तर ढूंढा और उनको उत्तर मिला कि हाँ, भगवान हम लोग का ऐसा संस्कार देकर गए हैं और ऐसा उपाय शास्त्रों में दिए हैं कि हम अगर साधना भजन करें, भगवान का भजन करें, शास्त्र पढ़े, अध्ययन करें, ध्यान धरें, अवश्य हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। हम ये चारों तीनों चीज से, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्ति पा सकते हैं। किसी संत ने कहा है, नर मरे सौ काम आवे, नर से नारायण बने जो बन जाने ना कोई, पशु मरे सौ काम आवे, नर से नारायण बने जो बन जाने ना कोई। तो हम लोग चाहेंगे तो स्वयं भगवान को प्राप्ति कर पाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य ऐसा होना पड़ेगा, हमका संग ऐसा होना पड़ेगा। हम जीते जी सो रहे हैं,
एक रात को जो इंसान सोता है उसे जगाना बहुत मुश्किल है और उसे जगाना बहुत आसान है, पर दिने दिन जो जागते सोआ है इसे जगाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से कहते हैं, जाग मुसाफिर भोर भया अब रहन कहाँ, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जागने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि जागो। आत्म महात्मा लोग अपने जीवन में पाए हैं, जागा है, और उन्होंने पारस का संग लोहा कर अपने आप को हीरा बनाया है, सोना बनाया है। और इस तरह वो दूसरों को भी चाहते हैं कि आप भी जागो और अपना जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जोनी का लक्ष्य प्राप्त कर लो। तो यही हमारा जीवन का कमी रह गया मनुष्य जोनी का, जिस कारण हम लोग 20 लाख जरचर, 20 लाख थलचर, 20 लाख स्थावर, 20 लाख पंछी और 4 लाख धनी गरीब मनुष्य का कोटा होता है, जिसमें हम लोग गरीब होते हैं और कैसा कैसा। तो इस तरह से ये 84 जब कट जाए तब मानुष का चोला पाए, और इस चोला को पाकर भी हम लोग दुखी है, बहुत इंसान दुख है। आज कहता है कोई टाइम पास कर रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई खाने का तकलीफ है, कोई को कुछ का। मैंने मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुख तो किसी का दूर नहीं होगा, पर रिलैक्स जरूर मिलेगा, और रिलैक्स इस तरह से मिलेगा यदि वो भगवत गीता का शरण लेगा। भगवान का शरण लिए बिना किसी को संतुष्ट नहीं हुआ। वेद व्यास भी सभी शास्त्रों को लिखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 18 पुराण कितना लिखे हैं मैं इतना नहीं जानती, पर उनको भी आसान थे। बद्रिका धाम में जब उनका नारद मुनि गुरु आए, बोले कि मुझे शांति नहीं मिल रहा है गुरु महाराज, मुझे क्या करना चाहिए, तब उन्होंने बताया आपने सारा मेटेरियल जितना देवी देवता 36 कोटि है सब का प्रकृति का बखान पुस्तक लिख दिया, लेकिन आप भगवत गीता नहीं लिखे, आप भगवान को विषय में नहीं लिखे, वृंदावन धाम को, इसलिए आपको शांत नहीं मिला। तो मेन पावर, मेन सुग्रीम, मेन भगवान का विषय में आप लिख दीजिए, आपको शांति मिलेगा। तब वेद व्यास ने इस भगवत गीता और 18 पुराण का रचना किए, भागवतम पुराण का, तो उनको बहुत शांति मिला और उनका प्रचार हुआ तो हम लोग का भी उद्धार हुआ। तो मैं इसी पर अपना वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।